हमारा मक्की की रोटी और सरसों का साग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमें दो सरसों की जुड़ी धोई कटी हुई, एक जुड़ी बाथू। अगर बाथू आपको ना मिले तो आप पालक की एक जुड़ी ले सकते हैं। हरी मिर्च, लहसुन कटा हुआ, प्याज कटा हुआ, अदरक कटा हुआ, नमक, दो चम्मच मक्की का आटा। अब हम पालक को कुकर में डालेंगे, गैस ऑन करेंगे और पालक को स्टीम होने के लिए हम कुकर में डालेंगे। ये बाथू भी हम साथ में डालेंगे स्टीम होने के लिए। आधा कप पानी डालेंगे, हरी मिर्ची साथ में डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। बंद करके एक सीटी बजा लेंगे। ये सरसों हमारी स्टीम हो चुकी है, ये काफी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में हम इसे मिक्सर में एक ग्राइंड कर लेंगे। सरसों को हमने स्टीम कर ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मक्की का आटा थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करेंगे। इस तरह से पूरा मक्की का आटा इसमें मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। अब तड़का लगाएंगे हम सरसों के साग को। तड़के के लिए हमें चाहिए देसी घी, गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे प्याज, इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन,
अदरक ऐड करेंगे। ये सब अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सरसों का साग ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छी तरह भून लेना है। ये हमारा सरसों का साग खाने के लिए एकदम रेडी है। गैस बंद कर देंगे। हमारा सरसों का साग रेडी है, उसके साथ में हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए मक्की का आटा। इसे हम अच्छी तरह से गुनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। की रोटी रेडी हो चुकी है। इसे प्लेट में निकालकर इस पे देसी घी लगाएंगे। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। ये मक्की की रोटी रेडी हो गई है। ये है हमारा मक्की की रोटी और सरसों का साग। Body's high.